जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे क्रेजी जीके वाला यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प संवादों के साथ अद्वितीय और रोचक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों और उनके उत्तरों की दुनिया में ले जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और निकले इस अद्वितीय ज्ञान की यात्रा पर। सवालों का सही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप पहले से ही उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट करें। आपका पहला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी इंडिया, सी जापान, डी इजिप्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। आपका अगला सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आपके ऑप्शन है ए किस्मत, बी गलफड़ो, सी सूर्य, डी पशुपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गलफड़ो। आपका तीसरा सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी अर्थमंत्री, डी रक्षा मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। आपका अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन ए। आपका पांचवा सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सरदार पटेल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी विक्रम साराभाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार पटेल। आपका सातवां सवाल है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। आपका अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है ए जॉन लोगी बेयर्ड, बी टॉम एडिसन, सी मार्क जुकरबर्ग, डी विलियम बर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन लोगी बेयर्ड। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी रजिया सुल्तान, सी सोनिया गांधी, डी प्रतिभा पाटिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। आपका दसवां सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भगत सिंह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके नीचे जो सब्सक्राइब का छोटू सा बटन है वो दबा दीजिए। आपका अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया? आपके ऑप्शन है ए 1492 ई, बी 1498 ई, सी 1505 ई, डी 1512 ई। इसका
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1498। आपका 12वां सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए सिद्धार्थ, बी अशोक, सी राहुल, डी महावीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिद्धार्थ। आपका अगला सवाल है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आपके ऑप्शन है ए स्पेन, बी पुर्तगाल, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। इसका सही जवाब है बी पुर्तगाल। आपका अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर। आपका अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक, बी गुरु अंगद, सी गुरु रामदास, डी गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु नानक। आपका 16वां सवाल है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए होली, बी दिवाली, सी बैसाखी, डी ईद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैसाखी। आपका अगला सवाल है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए राजघाट, बी शांति स्थल, सी विजय घाट, डी शक्ति स्थल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विजय घाट। आपका अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? आपके ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी अटल वाजपेयी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजीव गांधी। आपका आखिरी सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है ए महर्षि वाल्मीकि, बी महर्षि विश्वामित्र, सी महर्षि वेदव्यास, डी महर्षि द्वारकानाथ टैगोर। दोस्तों, इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।